हाय एवरीवन, दिस इज आलिश। सो आज के वीडियो में यार बहुत सारे लोग पूछते हैं, दीदी NIT त्रिची में अगर आप नॉर्थ इंडिया से हो तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइक क्या लाइक लैंग्वेज इशू है ना, एंड किस तरह के प्रॉब्लम्स बिंग अ नॉर्थ इंडियन, या फिर वो खाने के मामले में हो, कोई भी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हें फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यार मैं खुद भी नॉर्थ इंडिया से हूँ। ठीक है, मैं दिल्ली रीजन से बिलोंग करती हूँ, फरीदाबाद, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो मेरे पास और भी ऑप्शन थे, क्यों मैंने स्पेसिफिकली NIT त्रिची आई, क्या जरूरत थी मुझे 2500 किलोमीटर दूर आना पड़ा मुझे यहाँ पे, क्यों चूज़ किया मैंने। ठीक है, एक मेरे पास ऑप्शन थे, मैं NIT कुरुक्षेत्र में एक अच्छी ब्रांच के साथ, IT ब्रांच मेरे को मिल रहा था, मेरे घर से बिल्कुल भी दूर नहीं था, बिल्कुल पास में था, मैं वहाँ भी जा सकती थी, बट क्यों मेरे को इतने दूर आना पड़ा, क्या मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो सबसे मेन क्वेश्चन होता है कि भाई क्या लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज इशू आ सकता है, डेफिनेटली आएगा, यहाँ पे मोस्टली लोग तमिल ही बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन अकेडमिक एरिया में तुम्हें क्लासेस वगैरह में इंग्लिश ही यूज़ होती है, तो आई थिंक उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोलता है कि हमें थोड़ा इंग्लिश का इश्यू है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगे। देखो, इस चीज़ को हम कंसिडरेशन में ले सकते हैं, क्योंकि यार यहाँ पे अगर तुम्हें तमिल लोगों के साथ सर्वाइव करना है तो तुम्हें इंग्लिश आनी ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें प्रोफेसर्स के साथ भी बात करनी है और कहीं पे भी बात करनी है, तो उन लोगों को लाइक हिंदी नहीं, वो लोग हिंदी में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो तुम्हें तमिल आनी चाहिए या तो इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश आती है तो तुम बात कर सकते हो, अदरवाइज तुम अपनी बात नहीं रख सकते हो। सो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आई विल नॉट से कि यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम है, तो क्या इंग्लिश नहीं आती है तो यहाँ नहीं आना चाहिए, ऐसा भी नहीं है यार। देखो, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, तुम सीख सकते हो, धीरे धीरे डेफिनेटली इंप्रूव हो जाएगी, इनिशियल डेज में डेफिनेटली तुम्हें लाइक मे बी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उतना कोई नहीं होगा। इस चीज़ को कंसिडर करके तुम अपने हिसाब से डिसीजन लेना। ठीक, यहाँ के लोग कैसे हैं, देखो बात करूँ यहाँ के लोग, मैं यहाँ पे आई थिंक 1.5 साल हो गया मुझे रहते रहते, तो यहाँ के लोग, अब देखो अच्छे भी लोग मिलेंगे, तुम कहीं पर भी जाओगे तुम्हें अच्छे भी लोग मिलेंगे और एटीट्यूड वाले लोग भी मिलेंगे, तो केस यहाँ पे भी है सेम, बहुत अच्छे लोग भी हैं साउथ के लोग जो तुम्हें मतलब बहुत कॉपरेटिव होते हैं, कुछ रूड लोग भी मिलेंगे जो उतने कॉपरेटिव नहीं रहते हैं, जो लोग थोड़ा सा पार्शियलिटी करते हैं, हाँ वो वाला तुम नॉर्थ से हम साउथ से, ठीक है, वो लोग भी मिलेंगे डेफिनेटली। सो वो चीज़ हर जगह होती है, तो एक तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। बात करते हैं अकेडमिक्स की, देखो यार जब मैं प्रिपेयर कर रही थी इवन, तो JIITs NITs का बहुत हाइप रहता है, ठीक है, ये भी नंबर 1 NIT है, बेस्ट NIT है इंडिया के, फिर भी यहाँ पे आके मुझे ऐसा फील होता है कि तुम जो भी आगे बनने वाले हो ना, इसमें कॉलेज का कोई हाथ नहीं है, कॉलेज बस तुमको एनवायरनमेंट दे रहा है, यहाँ पे तुम्हें अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे, अच्छे मतलब जो मतलब इतने इंटेलिजेंट माइंड्स के बीच आप रहोगे, दैट्स इट, बाकी आप क्या करते हो आके जाके, कौन सी कंपनी में जॉब करते हो, क्या करते हो, अपना बिजनेस करते हो, जो भी करते हो पूरा का पूरा तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि क्लासेस बच्चे करते हैं, 99% बच्चे अपना अलग ही बिजी रहते हैं, प्रोफेसर्स की बात तो कोई सुनता नहीं है, और एग्ज़ाम के लिए भी खुद से ही लोग पढ़ाई करते हैं, और एग्ज़ाम में पास होने के लिए इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लाइक अगर तुम बिल्कुल नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं, तो तुम फेल भी हो सकते हो, है ना, क्योंकि प्रोफेसर यहाँ पे दया नहीं दिखाते बिल्कुल, अगर तुम, ये कोई वैसा कॉलेज नहीं है, ठीक है, 1-2 मार्क्स से, यहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे प्रोफेसर्स को देखा है, 1-2 मार्क्स से भी अगर तुम रह रहे हो ना, फेल पास का डिफरेंस है, वो तुम्हें फेल कर देंगे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, तो पढ़ना पड़ेगा, हाँ, तो पास होने के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि प्रोफेसर सच में फेल कर देते हैं, वो ये नहीं देखते हैं कि हाँ बच्चे का 2 मार्क्स से दे देता हूँ तो पास हो जाएंगे, नहीं नहीं तुम फेल हो जाओगे अगर नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो कुछ प्रोफेसर्स काफ़ी स्ट्रिक्ट अटेंडेंस के मामले में भी, तुम क्लासेस नहीं आते हो, 75 कुछ प्रोफेसर होते हैं, अगर तुमने 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं रखी तो तुम एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, तुम्हें वी ग्रेड मिलेगा, और बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं बैठने देते हैं फाइनल एग्जाम्स में, तो फिर उनको फिर वो सारा रिपीट करना पड़ता है कोर्स, ठीक है, तो ये नहीं करना चाहते हो तो 75% मेंटेन करके रखो, ठीक है। कुछ प्रोफेसर्स मैंने देखे हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट है यहाँ पे, एग्जाम्स लाइक क्लासरूम में फ़ोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते हो, तो ये वाली चीज़ें चलती है। हॉस्टल की बात करूँ, रेस्ट्रिक्शंस गर्ल्स के लिए रेस्ट्रिक्शंस है, लाइक 9 o'clock के बाद तुम हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हो, एंड अगर तुम रूल्स ब्रेक करते हो तो फिर उसके सारे जो पनिशमेंट है तुमको डेफिनेटली मिलेगी। एंड कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा है, मतलब हर एक चीज़, फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो हर एक फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट तुमको यहाँ मिल जाएगी, वो रहा शायद नाइट कैंटीन्स हो गए यहाँ पे, और लाइक तुम्हारे ग्रोसरीज वगैरह जो भी तुम्हें बाय करना है उसके लिए 2K मार्केट अवेलेबल है, कैंटीन्स अवेलेबल हैं, जूस शॉप, लस्सी शॉप्स, ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे, एंड यहाँ पे हाँ, और यहाँ पे CCD भी अवेलेबल है। मेस की बात करूँ फूड की, तो फूड देखो यार मैं अपनी पर्सनली बताती हूँ, इतना भी गंदा नहीं है, ठीक है, लोग जितना बोलते थे मेरे टाइम पे, मैंने बहुत सारे कोरा पे रिव्यूज़ देखे थे, लोग बोलते थे अडॉप्ट नहीं कर पाओगे धीरे धीरे, लेकिन मैंने तो स्टार्टिंग से अडॉप्ट कर लिया था, मेरे को इतना गंदा नहीं लगा फूड, ठीक है, हो जाएगा, और सेकेंड ईयर से तो वैसे ही फिर तुम्हें अपने अकॉर्डिंग तुम अपना मेस चूज़ कर सकते हो, तो फिर नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा, तो आई गेस इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा।
खाने का भी उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन बहुत सारे मेरे IIT में फ्रेंड्स हैं, उनसे बेटर है हमारा खाना, मैंने कंपेयर करके भी देख लिया है, तो खाने का उतना मुझे कोई टेंशन नहीं लगता है। मुझे बॉयज़ हॉस्टल का नहीं पता, पर अपने हॉस्टल का बता सकती हूँ। एंड हॉस्टल्स मैंने जहाँ तक ही सुना था कि उतने अच्छे नहीं होते हैं IITs एंड ITs में, पर मुझे तो अपना हॉस्टल रॉयल लगता है। ठीक है, बॉयज़ की फिर मैं नहीं बता सकती, मैं गर्ल्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पे लाइक फर्स्ट ईयर में भी हमारे जो रूम्स थे काफ़ी स्पेशल थे, काफ़ी क्लीन थे, है ना। हर एक चीज़ हमें लाइक गीज़र फैसिलिटीज़ या फिर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, हमें हर चीज़ प्रोवाइड किया गया था, तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अभी भी हमारे हॉस्टल्स काफ़ी अच्छे हैं, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। एंड गर्ल्स के लिए जिम वगैरह की फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। एंड स्पोर्ट्स की बात करूँ तो NIT त्रिची का स्पोर्ट्स भी काफ़ी अच्छा है। आई मीन तुम जो भी स्पोर्ट्स यहाँ पे आके कंटिन्यू करना चाहते हो तुम कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छा है यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, तो वो भी तुम यहाँ पे कर सकते हो अपना। एंड क्लब्स की बात करूँ तो बहुत सारे क्लब्स हैं, ठीक है, पर मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करती हूँ बहुत सारे क्लब्स में इन्वॉल्व होना। बहुत सारे क्लब्स हैं, तुम अपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम कोई भी क्लब यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। हर एक टेक क्लब मिल जाएंगे तुमको, सोशल क्लब मिल जाएंगे, है ना, हर टाइप के क्लब्स यहाँ अवेलेबल हैं, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड बात करूँ आउटसाइड अगर तुम जाते हो लाइक कैंपस से, तो मे बी तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि जो लोकल्स हैं यहाँ के उनको लाइक बिल्कुल भी लाइक उनको इंग्लिश भी नहीं आती है लोकल्स को, ठीक है, उनको सिर्फ तमिल आती है, तो उनसे कम्युनिकेट करने में तुमको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर कहीं बाहर जाते हो, ठीक है, तो अपने तमिल फ्रेंड को लेके जाओ, तो बहुत बेनिफिशियल होगा वो यहाँ पे। एंड बात करें वेदर की, तो लोग बोलते थे कि यहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, तो मुझे देखो दिल्ली में भी बहुत गर्मी रहती है, तो मुझे तो एकदम सेम लगा, मुझे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं लगा गर्मी सर्दी में। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी है, यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है, मुझे विंटर्स से बहुत बिल्कुल पसंद नहीं है विंटर्स, और यहाँ पे बिल्कुल विंटर्स नहीं पड़ती है कभी भी नहीं। इवन जैन में दिसंबर में कभी भी ठंड पड़ती ही नहीं है यहाँ पे, लाइक एकदम नॉर्मल वेदर रहता है, बारिश होती है यहाँ पे इस टाइम पे, बट वो ठीक है। और लेकिन जो सबसे गंदी चीज़ है मैं बताती हूँ, मैंने सोचा था यार कैंपस बढ़ाया है, कैंपस बढ़ाया तो कितनी अच्छी बात है, लेकिन अब हम मर रहे हैं कैंपस बढ़ाया, क्योंकि क्लासेस जानी होती है, तो लाइक यहाँ पे इतना टाइट स्केड्यूल होता है। हमारी क्लासेस स्टार्ट होती है 8:30 से, फिर 12:30 तक चलती है, उसके बाद एक घंटे का ब्रेक मिलता है अगर तुमने कोई माइनर का कोर्स लिया है, फिर तुम्हें जाना पड़ता है 1:30 से 2:30, एंड उसके बाद तुम्हारा कोई इलेक्टिव भी है वो भी करना पड़ता है तुम्हें, उसके बाद कोई लैब है, तो मतलब पूरा दिन इसी में जाता है, तो स्केड्यूल कभी कभी बहुत ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है ना, तो मतलब 6 बजे तक आप फ्री हो पाते हो, वो हैक्टिक स्केड्यूल लाइक झेलना पड़ता है, ठीक है। तो और लाइक इतना एग्जॉस्टेड फील हो जाता है, क्योंकि हमारे लाइक बॉयज़ हॉस्टल से जो जहाँ पे क्लासेस होती है वो काफ़ी पास पड़ता है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर जाना पड़ता है दूर, तो साइकिल चलाते चलाते पूरा थक जाते हैं, लाइक पहले आना होता है, फिर जाना होता है, फिर से जाना होता है, फिर से वापस आना होता है, सो मच, ठीक है। तो वो एक थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है काफ़ी, ठीक है, थक जाते हैं उस टाइम में। फ्री टाइम तो लाइक वीकेंड्स पे ही मिलता है, नॉर्मल डेज में टाइम एज सच नहीं मिल पाता है, जब क्लासेस चलने लगती हैं तो काफ़ी लाइक हैक्टिक शेड्यूल हो जाता है। और प्लेसमेंट्स की, प्लेसमेंट तुम पे डिपेंड करता है, तुम अपने स्किल्स किस तरह से बनाते हो, ठीक है, तो तुम्हारे अंदर स्किल्स होगी, सारी क्वालिटीज़ होगी, तो डेफिनेटली तुम्हारे प्लेसमेंट लग जाएगा। बात करते हैं CGPA की, तो ठीक है, एटलीस्ट मैं बोलूँगी 8+ तो मेंटेन करके रखो, उतना मैं भी मेंटेन करके रखती हूँ, 8.5 तो एटलीस्ट मेंटेन करके रखो, उतना मैं भी मेंटेन कर लेती हूँ, एटलीस्ट 8.5 से प्लस रख सकते हो, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तो इतना आराम से आ जाता है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल वो 10 CGPA लाना है तो फिर तुम्हें वो पूरा JEE की तरह पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पूरा फोकस होकर। बात करते हैं थोड़ा सा सेफ्टी का, तो सेफ्टी की बात करूँ तो गर्ल्स के लिए काफ़ी सेफ है कैंपस के अंदर, तुम बिल्कुल ही सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, यहाँ कोई ऐसा सेफ्टी इशू नहीं है, जब तक कैंपस के अंदर हो बिल्कुल सेफ हो तुम। इवन बोलता है रैगिंग वगैरह का, तो यहाँ पे रैगिंग वगैरह का कोई इशू नहीं है। अभी मेरे को अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर्स हो गया है, ठीक है, बोलते हैं लाइक इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग वगैरह होती है, पर मैंने अभी तक लाइक ऐसा कोई सीन हुआ नहीं है। एंड अगर रैगिंग होती भी है तो तुम कंप्लेन करोगे तो काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सेफ्टी से रिगार्डिंग आई थिंक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बात करूँ कॉलेज के बाहर कैसा है, तो जो मेन सिटी है यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 19 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है मेन सिटी, मेन त्रिची सिटी, जहाँ पे मार्केट वगैरह है, मॉल्स वगैरह है, बाकी पास में भी लाइक रेस्टोरेंट वगैरह हैं काफ़ी सारे, 6-7 किलोमीटर ही होते हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे तुम्हें, डोमिनोज वगैरह जाना है तो मतलब जा सकते हो। बस कैंपस में सारी फैसिलिटीज़ है, लाइक बाहर जाने की शायद ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटी एवरीथिंग इज़
अवेलेबल, तो तुम्हें ऐसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर सिटी जाना है तो आराम से बस से जा सकते हो, यहाँ पे बस चलती ही रहती है हमेशा। तो और बस का फेयर भी ज़्यादा नहीं होता है, त्रिची सिटी तक जाना है तो 13 रुपये फेयर लगता है। एंड यहाँ पे एक पिंक वाली बस होती है तो वो लेडीज़ के लिए फ्री होती है, तो फ्री में भी जा सकते हो। एंड यहाँ पे मुझे, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आसपास का, मुझे काफ़ी सेफ लगा एज़ कम्पेयर टू दिल्ली वगैरह। लाइक मैंने खुद से लाइक फील किया है, लाइक अगर हम दिल्ली या मतलब अपने, मैं उधर नॉर्थ में होती थी तो अगर बस बस वगैरह में जाते हैं तो गर्ल्स के लिए मैं बता रही हूँ, लाइक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होता है, मतलब मुझे लगता है कि उधर सेफ़ नहीं है, पर ये जगह मेरे को काफ़ी सेफ़ लगती है। लाइक कोई मतलब बदतमीजी नहीं करता है नॉर्मली। एंड बस में भी तुम्हें बहुत बहुत सारी गर्ल्स मिल जाएंगी, तो बस में भी अगर तुम ट्रैवल अकेले भी करते हो तो भी यहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है। तो हाँ, मैं बोलूँगी ये रीजन काफ़ी सेफ़ है इवन गर्ल्स के लिए, सो उसको कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि पता है कि यहाँ पे होम स्टेट कोटा लगता है, तो 50% जो बच्चे होते हैं वो तमिलनाडु के ही होते हैं, जो कि ठीक है। और जो 50% होते हैं वो अदर स्टेट से आते हैं बच्चे। अदर स्टेट में मैं बात करूँ तो बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, इवन दिल्ली, हरियाणा रीजन से मिल जाएंगे आपको स्टूडेंट्स। सो इसकी चिंता मत करो कि क्या मुझे इस हमारे रीजन के बच्चे मिलेंगे, आराम से मिलेंगे। और हिंदी बोलने वाले भी आपको बहुत मिल जाएंगे, तो इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतना कुछ अलग नहीं मिलता है, जब आपका आपके साथ वाले लोग होंगे तो आपको अपना सा ही लगेगा, ठीक है। मेनली ऐसा होता है कि जो बहुत मतलब ये मेजॉरिटी यही होता है यहाँ पे, जो तमिल लोग हैं उनकी तमिल लोगों के बीच ही फ्रेंडशिप होती है, और जो नॉर्थ के लोग हैं उनकी नॉर्थ लोगों के बीच ही। एंड ये ऑब्वियस है यार, मतलब लैंग्वेज की वजह से ही होता है, लाइक वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नॉर्थ साउथ के हैं, फिर भी उन लोगों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है। एंड इवन मैं तो यार लाइक 2 साल हो गए मेरे को, अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर चल रहा है। मेरी जो रूममेट थी पहले भी वो साउथ की ही थी, एंड अभी भी ठीक है, हम लोगों का अच्छा चलता है, तो मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो या दैट्स ऑल, जितनी भी चीज़ें थी आई थिंक मैंने सारी बता दी हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।